लेकर चिंतित है कि राहुल गांधी कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और जिस परिवार ने देश के लिए कई कुर्बानियां दी हैं, देश के लिए साथें दी हैं, देश की आज़ादी में बढ़ चढ़ कर इस परिवार का योगदान रहा है, इस परिवार से तीन तीन प्रधानमंत्री देश के रहे हैं और देश को आगे बढ़ाने में इस परिवार का अहम भूमिका रही है। राहुल गांधी जिस तरीके से संसद के अंदर उन्होंने अदानी का मामला उठाया कि आखिर क्या कारण है, क्या वजह है कि संसद में जो राहुल गांधी जी सरकार से पूछ रहे थे, नरेंद्र मोदी सरकार से पूछा कि अदानी की शेल कंपनी में 20,000 करोड़ रुपया जो इन्वेस्टमेंट है वो किसकी है, तो उसका जवाब देने की बजाय राहुल गांधी की जवान जो है, जो जो आवाज़ है उसको कुचलने का प्रयास किया गया। एक ऐसा मामला जिसमें उन्होंने कहा कि जिनके सर नेम मोदी लगा है वही ऐसे घोटाले क्यों कर रहे हैं, जिसमें नीरव मोदी की बात हो चाहे ललित मोदी की बात हो, तो उन्होंने तो जनरल बात करी, ये तो पॉलिटिकल बयान था, पॉलिटिकल भाषण में उन्होंने बात कही। देश में कई लोग हैं ऐसे हैं जो ऐसे बातें करते हैं, हमारे यहाँ के कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने दिल्ली में कहा कि गोली मारो सालों को, कई तरह की भड़काऊ भाषण दिए, उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। परंतु आज राहुल गांधी संसद में जिस तरीके से आवाज उठा रहे थे उनकी आवाज को सुनने की बजाय, कि उसका जवाब देने की बजाय, एक माननीय कोर्ट में एक जो मानहानि का मुकदमा चल रहा था, बंद पड़ा था, उसको खोला गया और 7 दिन के अंदर अंदर फैसला कराया गया। और फैसला जो हुआ, हम उस पर नहीं जा रहे हैं, और फैसला जो हुआ है उसमें उनको 30 दिन का वक्त दिया गया है कि 30 दिन के अंदर जो है आप अपनी अपील दायर कर सकते हैं, वहां से आप रिलीफ ले सकते हैं। उसका इंतजार नहीं हुआ, ये हिंदुस्तान के इतिहास में पहली दफा हुआ कि किसी कोर्ट ने फैसला सुनाया और दूसरे दिन ही उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई, 8 साल के लिए डीबार कर दिया गया, और साथ में उनका जो निवास स्थान था, जो घर मिला था, वो भी उसको खाली करने के आदेश दिए। इस तानाशाही सरकार चल रही है, चाहे ये था कि राहुल गांधी चुने हुए सांसद हैं और चुने हुए सांसद के नाते संसद में जो उन्होंने सवाल उठाए थे उनका वो जवाब देते। मुझे लगता है आज हिंदुस्तान की आम जनता में चर्चा है कि राहुल गांधी ने जिस तरीके से 4,000 किलोमीटर पैदल यात्रा करी और भारत जोड़ो यात्रा में जगह जगह लोगों से मिले, लोगों की समस्याओं को समझा, और उन्होंने महंगाई का मुद्दा, बेरोजगारी का मुद्दा, भ्रष्टाचार के जैसे मुद्दे कई सरकार के जो समक्ष जो रखे उठाए, भारतीय जनता पार्टी में बेचैनी फैली हुई थी क्योंकि अभी लोकसभा के चुनाव आ रहे हैं, उन चुनावों का है आदत है 2012 से 17 तक के बीच में हिमाचल प्रदेश में राजा वीरभद्र जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार रही, 36 विधायक कांग्रेस के थे, आज 40 विधायक हैं। तब भी उस समय विपक्ष के नेता श्री प्रेम कुमार धूमल जी हमेशा हर महीने ये बयान देते थे कि सरकार अब गिरने वाली है, सरकार लोकसभा के चुनाव के तुरंत दूसरे दिन गिरने वाली है, ये भारतीय जनता पार्टी की आदत है और इस तरीका इसके भ्रामक बयान देना भारतीय जनता पार्टी का पहले से ही ये आदत है, इससे इन बातों से कुछ नहीं होने वाला। हिमाचल में स्थिर सरकार है, मजबूत सरकार है और 5 साल डंके की चोट पर चल रहा है। भागीदारी तो आपको जब चुन गए, चुने हैं बधाई के नाते, मेरी जिम्मेवारी अपने चुनाव क्षेत्र में लोगों की समस्याओं को उठाना, उनका हल करना और उसको हम बखूबी कर रहे हैं। बाकी पार्टी के अंदरूनी मामले हैं, जब भी पार्टी जो जो जिम्मेवारी लगाई उसको निभाएंगे। अभी इस मामले को फिर से उठाने के लिए मैंने नोटिस दे दिया है और अगले हफ्ते सोमवार मंगलवार तक मुझे उम्मीद है कि ये मामला नियम 62 में चर्चा में आएगा और हम इसको फिर मामला है, अगर कोई लोग सक्रिय भूमिका नहीं निभा रहे हैं तो उन पर कार्रवाई करना पार्टी का अधिकार है, इस मामले को पार करना।